सो कैसे मेरे प्यार, तो आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे प्यार। तो हम आप सभी के लिए लेके आ गए प्यार, तो क्लास टेंथ का मेरे प्यार साथियों, देख पा रहे होंगे आप लोग का हिंदी का वायरल पेपर प्यार, तो जो आपका होने वाला है 24 जून का, सेम टू सेम मेरे प्यार एकदम पेपर रहेगा 100% भाई साहब, क्योंकि अभी हाई स्कूल से ये पेपर हमारे व्हाट्सएप पे आया ही है, ठीक है। तो प्यार तो जिनको भी 1% भी शक है कि ओरिजिनल नहीं है तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, जिनको प्यार तो 1% भी भरोसा होगा ना 0.55 तो वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपका मेरे प्यार तो 25 में 25 ऑब्जेक्टिव 24 तारीख का अपना रहेगा। तो चलो प्यार तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। देखिए प्यार तो आपको इतना तो पता ही होगा कि 1 से 30 प्रश्न है, टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 25 का उत्तर देना है, ठीक है, वो एमआर शीट पे। मेरे प्यार तो अभी व्हाट्सएप पे आया है तो थोड़ा सा इसका पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा आपको क्वालिटी इधर गंदा दिख रहा होगा, लेकिन इधर आगे जाकर प्यार तो सही है, ठीक है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि सर जी व्याकरण दिख रहा है, तो यहाँ देख लीजिए प्यार तो ये सब हिंदी वाला इधर पूछा गया है, शुरू में व्याकरण था। तो आइए प्यार तो हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट से आंसर, आप लोग बस ध्यान से सुन लीजिए और एग्जाम में जाकर प्यार तो 100% अपना नंबर ले आइएगा। पूछा जा रहा है ढ का उच्चारण क्या है, तो हम एक प्यार तो फॉर्म आपको ट्रिक दिए थे KTM 2, जैसे इसमें क ख ग वाला पूरा आ जाएगा, जितना भी क बोलेंगे क तो कंठ हो जाएगा, ख तो कंठ हो जाएगा, इसी प्रकार प्यार तो च छ वाला इसमें पूरा आ जाएगा, इसमें देखिए ट ठ ड वाला पूरा आ जाएगा, तो ट ठ ड तो ड आ रहा है ना, तो एम, एम से क्या होगा मुर्दा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक याद रखिएगा, आपको मेन एग्जाम में भी ध्यान देगा, ठीक है। फिर ये प्यार तो तथा द हो गया और लास्ट में KTM 2, वो से प्यार तो पफ वाला जितना भी हो। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत अस्थि व्यंजन है, तो ये र है, अंत अस्थि व्यंजन प्यार तो र है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन है, ठीक है प्यार तो थर्ड का राइट आंसर होगा स, ऑप्शन नंबर बी। अधीश का संधि विच्छेद करें, अधीश का संधि विच्छेद करें, तो इसका राइट होगा अधि प्लस ईस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिंधुमी शब्द का प्रयास तो संधि विच्छेद करना है, ठीक है, तो होगा सिंधु प्लस उमी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिक्जोर अंबर, क्या कर प्रयास तो दिक्जोर अंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई साहब आप विश्वास रखिए और मार्क प्रयास तो 5-6 मिनट का वीडियो होगा, आप एक बार देख लीजिएगा, आपका 25 में 25 मार्क्स नहीं आया, सेम टू सेम पेपर का प्रयास तो नहीं मिलेगा, तो आप लोग आके प्रयास तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रयास तो पिछले मंथ में आप लोग को याद कीजिए कि इस चैनल से प्रयास तो ऑल सारा के सारा प्रयास तो क्या हुआ था, सब सेम टू सेम आया था जी, तो इस बार भी आएगा। 7 नंबर देखेंगे, सिर चढ़ाना का मुहावरा का अर्थ, तो इनका प्रयास तो गुस्तात बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाथ पसारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो याचना करना, कहते हैं ना हाथ पसार दिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, याचना करना, ठीक है। अभी व्याकरण आपको मिल रहा होगा, फिर प्रयास तो बुक वाला बाद में मिलेगा। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आँख के पर्यायवाची कौन न जानता बच्चा, लोचन होता है सर जी, बहुत अच्छा। आगे देखिए प्रयास तो अभिमान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, 10 का याद रखिएगा अस्मिता, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र शब्द के पर्यायवाची क्या होगा जी, फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं सर जी, ऑप्शन नंबर बी होगा सुरेश, बहुत अच्छा। मृग छोना शब्द का समास कौन सा है, ठीक है, मृग छोना प्रयास तो शब्द का समास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए एक बार देख के। तिमाही शब्द में कौन सा समास है, देखिए प्रयास तो संख्यावाची है ना, तो इसमें क्या होगा दिग्गु समास, जो भी संख्यावाची रहेगा तिमाही चौमाही सब दिग्गु समास। कर्महीन शब्द में कौन सा समास है, समास बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुत अच्छा। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो ये प्रश्न तो कपड़े, कपड़ा शब्द के बहुवचन क्या होगा जी, कपड़े, ठीक है। अब आपको हो सकता है इसके बाद मिलने लगे क्या, बुक से, देखिए यहाँ पर आपको बुक वाला दिख रहा होगा। वृद्ध शब्द का विलोम, वृद्ध मतलब समझते हैं ना बताइए बूढ़ा, तो इसका क्या होगा विलोम मतलब उल्टा, जैसे प्रश्न तो ताकतवर, बहुत अच्छा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वृद्ध है ये नहीं कि कर दीजिएगा बालक, ठीक है, तो वृद्ध का प्रश्न तो बूढ़ा का क्या होगा जवान, जवान मतलब ताकतवर, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जल से जो प्रश्न लगता है ना आग उसमें कहते हैं व्रड वानल, ठीक है, जल में जब आग लगता है तब। अब मेरे प्यार तो पपाती बेहोश क्यों थी, आप पढ़े होंगे प्यार तो बर्निका, तो बर्निका में इसके बारे में बताया गया था पपाती का प्यार तो तेज बुखार के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 18 का राइट आंसर, बहुत अच्छा। मेरे प्यार तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th के प्यार तो रेगुलर क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, ठीक है। प्लस मेरे प्यार तो आपको गेस क्वेश्चन जो एग्जाम में प्यार तो 100% आएगा भाई साहब, विश्वास रखिए इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए प्यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई साहब, क्योंकि आपका एग्जाम है और भाई हम एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो आपको मेरे प्यार तो सब्सक्राइब करने तो पैसा लगेगा नहीं,
कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना सहरपाद की प्रार्थ तो है, ठीक है, तो ये दोहा कोश है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो आपको पता है प्रार्थ तो मगम्मा एक क्या थी बताइए, एक महिला थी प्रार्थ तो जो दही बेचा करती थी, और नजम्मा कौन थी उसकी बहू थी। चलिए बहुत अच्छा, रगम्पा को आपको याद होगा आशिक कौन है रगम्पा, ओहो हो। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, नागरी लिपि में प्रश्न तो शीर्षक पाठ कौन सी विद्या, तो याद रखेंगे निबंध है, ठीक है। लौट कराऊंगा फिर कविता का अनुवादक कौन है, लौट कराऊंगा फिर में प्रश्न तो कविता का अनुवादक कौन है, जीवनानंद दास, जिसमें बंगाल के बारे में बताया गया होगा, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं अभी तक जी। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुदित है, मेरे बिना तुम प्रभु प्रश्न तो अंग्रेजी से अनुदित है, ठीक है याद रखिएगा। बीजा छर काव्य संकलन 24 का राइट आंसर प्रश्न तो अनामिका के द्वारा लिखा गया। एक वृक्ष की हत्या किसकी है, तो सर जी कुंवर नारायण की, इधर आपको बुक वाला मिल रहा है, शुरू में व्याकरण खाली भरा हुआ था। ढहते विश्वास कहानी के कहानी कारक, ढहते विश्वास में प्रश्न तो जिसमें आप लोग पता होगा कि लक्ष्मी के बारे में, उड़ीसा में प्रश्न तो जो बाढ़ आ जाता है बार बार और सबको दहा कर ले चल जाता है, तो ये मेरे प्रश्न तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आपको कमेंट में बता दीजिएगा, सात कोड़ी होता, बहुत ही अच्छा। दही वाले मगम्मा का श्रीनिवास है। रोन नदी कहाँ अवस्थित है, ये मेरे पास तो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा दक्षिण फ्रांस में, ठीक है, यहाँ पर प्यास तो कला संस्कृति होता है जहाँ पे लेखक गए थे। 28 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए कृति है, यानी परंपरा का मूल्यांकन प्यास तो किसके लिए जरूरी है, फटाफट बताएंगे 28 का, तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया। चलिए, देवताओं के राजा ब्रज किसकी हड्डिया का बना हुआ था, ये प्रश्न आपको पता है ना, ब्रज किसकी हड्डिया को, धदीजे की हड्डी के ब्रज बना था, ठीक है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के कौन से विद्या प्रश्न तो एक छोटी बच्ची जो लेखक को होते हैं वही पूछ देते हैं कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं तो याद रखिएगा प्रश्न तो क्या था, कहानी था, ललित या कवित या बताना है, तो आपको प्रश्न तो ये ललित निबंध था। इस प्रकार प्रश्न तो हमको 1 से 30 तक बताएं, जिसमें प्रश्न तो आपको 5 क्वेश्चन ऊपर वाला व्याकरण वाला छोड़ दीजिएगा और नीचे वाला सारा बना लीजिएगा, ठीक है, आपको मात्र एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही बनाना है, और उसके बाद में प्रश्न तो इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रश्न तो बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सर जी सब्जेक्टिव वाला बना दीजिए तो फटाफट प्रश्न तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे प्रश्न तो, और इसी प्रकार आपको साइंस के भी मिल जाएगा, मैथ के भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।